खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से टीएस बंधे पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, जिसको लेकर इलाका इन लोगों में दहशत बना हुआ है। जिस तरह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लगभग दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं टीएस बंधे से एक सड़क गाँव की तरफ आ रही थी, जो बाढ़ की कटान से सड़क पूरी तरह से टूट गई है। अब गांव में जाने के लिए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से जिलाधिकारी स्वामी अग्रवाल ने बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि बलिया में 24 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। स्वर्ण रानी सत बलिया, संजय तिवारी की रिपोर्ट। बाढ़ निरीक्षण करने आई है, क्या है पूरा मामला यहाँ पे? अभी तहसील बांसडी में घाघरा नदी का जो बाढ़ की स्थिति है, उसका निरीक्षण किया है। अभी नदी का पानी जो है वो स्थिर हो गया है, परंतु यहाँ पे आबादी जो है थोड़ी प्रभावित हुई है और फसल भी प्रभावित हुई है। कुछ लोग जो बंधे पर आ गए हैं, वहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी जो है वो स्थापित हो चुकी है, कंट्रोल रूम भी चल रहा है। यहाँ पे नाव भी लगा दी गई है और अब खाने की और फूड पैकेट और ड्राई राशन की वितरण की व्यवस्था भी जो है प्रारंभ कर। सर, इस पानी से कितने गांव प्रभावित हुए हैं? अभी पूरे जनपद में लगभग 24 गांव जो है वो प्रभावित हैं और अब नदी का पानी जो है वो स्थिर है। देखा जा रहा है कि मैम, जो गांव में अभी लोग फंसे हैं, इनके लिए नाव भी अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। नाव जो है तहसील के द्वारा लगा दी गई है और अतिरिक्त नाव लगाने की व्यवस्था करी जा रही है। मैडम, जो बंधे पर लोग हैं, उनका कहना है कि अभी तक हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं मिली, तिरपाल प्लास्टिक तक नहीं मिला। ये लोग सब बंधे पे जो है अभी आए हैं, कोई हाल ही में आए हैं, तो लगातार इन लोग की व्यवस्था करी जा रही है। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे मैम, जहाँ तक कहा जा रहा है कि लखपाल से भी नाव की मांग चल रही है और उसके बाद सब व्यवस्था कराई जा रही है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी,